Dear students, today we will study substitution method, प्रतिस्थापन विधि. कल जैसे जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था 3.2 एक्सरसाइज में कि एग्जिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, हमारे तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, तीन तरह के केसेस थे, उनको हमने स्टडी किया था. आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो दो इक्वेशन है उनको कैसे सॉल्व करेंगे. ये मैंने 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिया है. मेरे पास ये दो इक्वेशन है, टू इक्वेशंस, एक्स प्लस वाई इक्वल 14, एक्स माइनस वाई इक्वल 4. स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया है. वैसे तो एक बार पहले चेक कर लेना चाहिए क्या इसका सोल्यूशन है या नहीं है. वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे देख लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, उनकी जो रेशियो है वो 1 आ रहा है, लेकिन वाई के जो कोएफिशिएंट का रेशियो -1 आ रहा है. और ये हमारा फर्स्ट केस बन जाता है, इसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन. अब बात इसे सॉल्व करने की है. सॉल्व करने के हमारे तीन मेथड हैं. हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है. हालांकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, लेकिन फिर भी मेथड सीखने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना, प्रतिस्थापन करना, जो हमारे दो इक्वेशन हैं उनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले, कोई जरूरी नहीं मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया फर्स्ट ही ले, कोई भी इक्वेशन ले, लेकिन हमें ऐसी इक्वेशन लेनी चाहिए जिसमें बिल्कुल सिंपल वे में एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म में निकल आए. देखो जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन क्यों ली है, इसमें से मैंने एक्स को ट्रांसफर किया, वी गेट वाई इन टर्म ऑफ एक्स, दैट वैल्यू वाई 14 माइनस एक्स. अगर हम वैसे हम सेकंड को भी ले सकते हैं, अगर हम सेकंड में लेते हैं और वाई इन टर्म ऑफ एक्स लेते हैं तो माइनस को भेजना पड़ता होगा, माइनस की गलती हो सकती थी. हाँ ये जरूर है कि सेकंड में हम एक्स इन टर्म ऑफ वाई भी निकाल सकते हैं. तो कोई जरूरी नहीं है कि केवल एक ही मेथड है, जैसे मैंने किया आप वैसे ही करें. आप मेथड को समझें, मेथड क्या है, कोई भी एक इक्वेशन ले, उस इक्वेशन में से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस करें. जैसे वाई क्या आ गया 14 माइनस एक्स. अब ये वाई की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में, इसी में नहीं, फर्स्ट है तो हमने इसको फाइंड आउट किया है, तो ये y की वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में पुट करें, वो वैल्यू क्या, x माइनस 14 माइनस x इज इक्वल टू 4. सिंपलीफाई करेंगे, x माइनस 14 प्लस x इक्वल टू 4, x प्लस x 2x, यू टेक 14 इन द राइट हैंड साइड, इट इज पॉजिटिव, 14 प्लस 4 18 एंड डिवाइड बाय 2 यू गेट a वैल्यू ऑफ x इज 9. सो इन दिस वे वी गेट वैल्यू ऑफ x इज 9. नाउ यू पुट वैल्यू ऑफ x इन आइदर ऑफ द इक्वेशन, either in 1 or in 2, 9 plus y equal to 14, I have put in equation number 1, the value of y comes out to be 5. This is the substitution method. I am taking one more question. First question, 6th part. Question is, x upon 2 minus 5y upon 3 is equal to minus 2. Equation number 1. X upon 3 plus y upon 2, this is equal to 13/6. Now I will find out value of y in terms of x from equation number 2, because here it is a minus. Equation 2 implies y upon 2 13/6 minus x by 3. Y upon 2 6 LCM 13 minus 2x. Value of y is 2 into 13 minus 2x upon 6. We can cancel this 2. 13 minus 2x upon 3. We can
name this as equation number 3. So I got from equation number 2 value of y in terms of x. Now I will put value of y in equation number 1. This is 3x upon 2 minus 5 upon 3, value of y 13 minus 2x upon 3, this is equal to minus 2. 3x upon 2, it is 5 into 13 minus 2x upon 9 is equal to minus 2. Now I take LCM of 2 and 9, it is 18, 27x, 2 into 5, 10, 10 into 13, 130, minus minus plus 20x. This is equal to minus 2. 47x minus 130 minus 36. 47x, this is 130 minus 36. 7x equal to 94. X equal to 94 upon 47. You get value of x is 2. Putting, we can put value of x in either of equation 1 or 2, but because here it will be very simple, put value of x here, directly you get value of y. Putting value of x in equation number 3, so hume y ki value 2 into 2 upon 3, 13 minus 4, 9 upon 3, this is value of y as 3. We can verify in the exam our answer is correct or not. We can verify in any rough column. You take any of the equation, first or second, verification. In second equation mein hum value put kare x aur y ki, left hand side 2 upon 2, y ki value hai hamari 3 upon 2 upon 3, 3 upon 2, axiom 6, 4 plus 9. Our answer is correct. So we should verify the answer. इसमें जो आपके x और y की जो value find out की हमने, उनको किसी भी equation put करके आप देख ले क्या उस equation को satisfy करता है. अगर उस equation को satisfy करता है तो हमारा answer बिल्कुल correct है. और ये हमें जरूर verify करना चाहिए. I'm taking one more question. Number 2. In question number 2, solve these two equations and hence find the value of m for which y is equal to this. Question number 2. 2x plus 3y is equal to 11. 2x minus 4y is equal to minus 24, and we are given a third equation y equal to mx plus 3. Firstly, we will solve equation 1 and 2 by method of substitution. Equation 1 implies 3y 11 minus 2x.
y is 11 minus 2x upon 3. This is equation number 4. Put in equation number 2. We get 2x minus 4, 11 minus 2x upon 3 is equal to minus 24. 3 LCM, 6x minus 44 plus 8x minus 24. It is 14x minus 44 minus 72. 14x, it is 44 plus 72. 14x minus 44 with minus 72, it is minus 28. We get value of x minus 28 upon 14, it is minus 2. In this way, we get value of x as a minus 2. Put in equation number 4. Minus 2 into minus 2 upon 3. It is 15 by 3. We get value of y as 5. By substitution method, we get value of x as minus 2 and value of y as 5. We can verify in equation number 1. When you put x is minus 2, it is minus 4. Put y is 5. 3 into 5, 15. 15 minus 4, 11. Our answer is correct. Now, further in the question, this solution satisfies equation number 3 as in the given the question, and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. So, in equation number 3, we put x is minus 2 and y equal to 5. Put x is minus 2 and y is 5 in equation number 3. 5 m into minus 2 plus 3. 5 minus 3 minus 2 m. 2 m is minus 2. Minus 2 by 2 minus 1. So in exam, sometime examiner can ask the question, solve the question by any of the method, and further for one mark. एक नंबर उसको कहीं ना कहीं से आपका उड़ाना है तो वो ऐसे छोटे छोटे पार्ट ऐड कर सकता है कि आप कि इसका सॉल्यूशन है उससे आप एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन कि जो डेली लाइफ में और 3.1 एक्सरसाइज में भी हमारे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है, इक्वेशन को फॉर्म भी करेंगे और उनको सॉल्व भी करेंगे, हम किस तरह से करेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। हम मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। Question number 3. Let first number x, second number. Hypothetically, because हमने दोनों number को let किया है तो एक number इसमें कोई ना कोई greater होगा ही कि x is greater than y. I have taken x is greater than y. But according to the question में क्या कहता है, question में difference between two numbers, क्योंकि x greater है x minus y, larger minus है smaller, it is 26, equation number 1। फिर कहता है
one number is three times the other. One number means larger number. Larger number कौन सा है? X. ये हमारा second जो smaller number उसका three times है. तो जो बड़ा number होगा वही दूसरे छोटे number का multiple होगा. तो यहाँ हमने X इसे जो question में है ये गलती नहीं करनी कि one number is three times the other. Do not write y as 3x because here x is greater than y. So x is equal to 3y. Put equation 2 in equation 1. ऐसे कैसे? क्योंकि already हमारे पास x in terms of y है. तो put कर देंगे इसमें 3y minus y equal to 26. 2y equal to 26, y is 26 upon 2 is equal to 13. Put value of y in equation number 2, we get 3 into 13, 39. So numbers are 39 and 13. ये हमारे दो नंबर होंगे. आप इनको वेरीफाई भी करके देख सकते हैं कि जैसे जो फर्स्ट नंबर 39 है वो 13 का 3 टाइम्स है और इनका डिफरेंस भी कितना है 26 है. तो प्यारे बच्चों अब 3.3 एक्सरसाइज आपके जो बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं. थैंक यू.